एक बार फिर से प्रदेश वासियों के लिए मौसम से जुड़ी एक ताज़ा अपडेट सामने आई है, जिसमें छत्तीसगढ़ में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिन और गर्मी से थोड़ी राहत बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अंधड़ चलने, वर्षा व बिजली गिरने की संभावना जताई है। तो वहीं प्रदेश भर में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी किया गया है, जहां अधिकतम तापमान में थोड़ी वृद्धि संभावित है, लेकिन प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा व अंधड़ चलने के भी आसार बताए गए हैं और 4 मई के बाद से गर्मी में बढ़ोतरी शुरू होने की भी संभावना जताई जा रही है। वैसे बता दें कि इस बीते 10 वर्षों में देखा जाए तो अप्रैल का महीना सबसे कम तपा है और अप्रैल के अधिकतम तापमान में भी औसतन 3 डिग्री तक गिरावट आई है। विशेषकर अप्रैल महीने का आखिरी दिन यानी 30 अप्रैल तो बीते 50 वर्षों में रिकॉर्ड वाला बन गया है, जहां 30 अप्रैल को रायपुर का अधिकतम तापमान सामान्य से 16 डिग्री सेल्सियस कम रहा। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान भी गिरा। और इधर अब मई के पहले भी रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम में राहत रहा और अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 11 डिग्री नीचे और न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 7 डिग्री नीचे रहा। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में अभी बंगाल की खाड़ी से नम हवाएं आ रही है और इसके चलते ठंडकता बनी हुई है और अभी कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज ऐसा ही बना रहेगा। तो इससे पहले हमने आपको अभी कहा था कि कुछ क्षेत्रों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो उसकी भी पूरी डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल CG36 न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मौसम विभाग ने रायपुर, दुर्ग, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, बेमेतरा, मुंगेली, कोरबा, बिलासपुर, कबीरधाम, राजनांदगांव आदि जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, रायगढ़, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, बस्तर, कोंडागांव, बीजापुर, सुकमा आदि जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है।